आपका नाम? हीर। हीर? जी, सिर्फ हीर। बाप का नाम? बाप का नाम? शफी मोहम्मद। शफी, जब वो आपका फोन अटेंड नहीं करी तो मेरा कहाँ सुनेगी? तो उसने फोन भी बंद कर दिया। जी शफी, मैंने सारी यूनिवर्सिटी छान मारी, वो कहीं नहीं है, ना ही किसी को उसके बारे में कुछ पता है। इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई, सबके पास जा जा के अपनी बेटी के बारे में पूछ रही। मैं क्या करूं शफी, इसे गन पॉइंट पे तो नहीं बिठा सकती घर में। ऐसे भी मुझे किसी खातिर में नहीं लाती। 2 साल से उसकी अपब्रिंगिंग इसी तरह से हुई, तो फिर मैं आज कैसे रोक सकती हूँ उसे, जबकि वो आपके रोकने में भी नहीं आ रही। हीर बिनते शफी मोहम्मद, आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला से बेवस हक महर 1 लाख रुपए सिक्के राजुलवा किया जा रहा है, आपको कबूल है? मुझे तो फैसल से डर लग रहा है शफी, वो अपने सारे काम छोड़ के उसके पीछे लगा हुआ है। सुबह से 2 मरतबा फोन करके पूछ चुका है हीर कहाँ है, घर से बाहर तो नहीं निकली। अगर उसने उसे उस लड़के के साथ देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। कर सकता है शफी, क्यों नहीं कर सकता? वो लोग अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, और हमने तो उन्हें इख्तियार भी दे दिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती शफी, लेकिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। इस बार वो जिस तरह निकली है, मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आएगी। जी कबूल है। हीर बिनते शफी मोहम्मद, जमाल वल अब्दुल्ला, आपका निकाह किया जा रहा है, आपको कबूल है? कबूल है। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साइया तेरे इश्क दिया खराम दिया, सुन साइया
अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे वलीमे के लिए। से कुछ खाया नहीं जाएगा। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, मगर तो फिर इतना सब कुछ मंगवाया क्यों है? वलीमा है हमारा, टेबल तो सजी होनी चाहिए ना। याद है इसी होटल में तुमने मुझे प्रपोज किया था? तुम्हें यकीन आ रहा है कि हमारी शादी हो गई? मुझे तो पहले दिन से यकीन। तुम्हारी शादी तो मुझसे। अच्छा, अगर ऐसे होगी मैं ये नहीं सोचा। ये सब तो यकीन दिला लो, क्योंकि हमें अब आगे दूसरों को यकीन दिलाना है कि हम मियां बीवी हैं। अच्छा तुम कुछ खाओ तो ना, हम ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे। मैंने मिशु से कपड़े भी उठाने में कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आई। अम्मी मुझे उसके घर भी तलाश करने गई थी। बेचारी वो सोच रही है कि मैं नाराज होकर घर से निकल गई। वैसे मैं नाराज होकर ही घर से निकली, भागी नहीं। पता है जमाल, मैंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जैसे लड़कियां करती हैं घर से भागते हुए, जैसे पैसे उठाती हैं, जेवर उठाती हैं। मैंने कुछ भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि मैंने अपना एटीएम कार्ड भी वहीं घर पे छोड़ दिया। ठीक किया ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। देखो ठीक किया तुमने। वैसे मैं अपने साथ कुछ कैश रख के लेकर आई हूँ। मेरे पास 10-20 हजार रुपए पड़े थे, वही लेकर आ गई। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास हो या ना हो, मेरे पास एहतियातन होना जरूरी है, हमें रास्ते में काम आ सकता है ना। वैसे तुमने क्या सोचा, कब और कैसे बताएंगे कि सब कुछ हो गया? फोन भी ऑफ है मेरा, वो लोग रात तक इंतजार करेंगे। फिर मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जब ट्रेन में बैठेंगे ना, तो मैं उन्हें मैसेज कर दूं। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कैसे और कहां जा रही हूं, बस इतना बता दूंगी कि तुम्हारे साथ और वो मेरा इंतजार ना कर। वो यही इसी शहर में तलाश करती रहेंगे। फिर जब हम वहां पहुंच जाएंगे ना, तब कुछ देर ठहर के मैं उन्हें सारी डिटेल बता दूंगी। अगर उस जाहिल आदमी ने वहां पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो जमाल, तुम्हारे पास बंदे तो हैं ना? वो कैसे, तो तुम्हारे पास बंदे हैं ना? मैं अकेला ही काफी हूँ उसके लिए। वो वहां तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ वो
वो बहुत चीखेगा चिल्लाएगा, पापा की बहुत इंसल्ट करेगा। जमाल वो लोग ठीक होते थे ना जो अपनी बेटियों को जिंदगी गाड़ देते, बेटियां भी एक दफा मर जाती थी और माँ बाप भी एक ही दफा अजियत से गुजर जाते। ये हमारे माँ बाप क्या करते हैं हमारे साथ? पहले तो हमें इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर इज्जत के नाम पर दूसरों के हाथों में देते, फिर पूरी जिंदगी उनके हाथों जलील होते रहते। I'm so sorry. मैंने हमारा वलीमा इतना सैड कर दिया। अच्छा अगर तुम ये सब नहीं खा रहे हो तो इसको फिर पैक करवा लेते हैं, रास्ते में काम आएगा हमारे। हम नहीं जा रहे, हम गांव नहीं जा रहे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.